नमस्कार, मैं समरजीत यादव NIOS की स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा में शिक्षण अधिगम उपागम विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय शर्मा। आप डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के शैक्षिक अध्ययन शाला में सहायक प्राध्यापक हैं। आप इस विषय के विषय विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शिक्षकों को इस विषय से परिचित कराएं। धन्यवाद समरजीत जी, और सभी प्राथमिक शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, शिक्षण अधिगम उपागम को समझने के लिए या जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बनती है कि सबसे पहले हम इस बात को समझें कि आखिर हम लोग सीखना किसे कहते हैं। और जब एक बार सीखने की अवधारणा को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो उसके बाद सीखने और सिखाने की सभी गतिविधियां हम लोग सब सुगमता से और सरलता से आयोजित कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं इस बात पर बात करूँ कि आखिर सीखना क्या होता है। सीखने से जो मेरा अभिप्राय है वो ये कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में हम लोग सकारात्मक बदलाव लाते हैं, और ये बदलाव अक्सर स्थायी होता है। और जब कोई व्यक्ति के बदलाव में इच्छित और सकारात्मक बदलाव आता है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में है। जैसा कि मैंने बताया कि बदलाव स्थायी होता है, और इन्हीं बदलावों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में जो भी लक्ष्य उसने तय किए हैं उनको प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि सीखना अक्सर समय और संदर्भ सापेक्ष होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से सीख सकते हैं, और ये सीखना एक व्यक्ति के सीखने से या दूसरे व्यक्ति के सीखने में पर्याप्त भिन्नता लिए हुए हो सकता है। और इस तरह सीखना एक सुविचारित, योजनाबद्ध एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने आता है। और इसमें जो शिक्षार्थी है, जो आपकी कक्षा में बैठने वाला जो बच्चा है, शिक्षकों के साथ जो काम करने वाला जो बच्चा है, वो एक सक्रिय भूमिका में होता है, संचेतन भूमिका में होता है, और एक उत्प्रेरक की भूमिका के रूप में होता है। सीखने की इस अवधारणा को समझने के बाद हमें यह भी जानना ज़रूरी बन जाता है, डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि सीखना होता कैसे है। ये सीखने की अवधारणा थी जो मैंने आपके सामने अभी संक्षिप्त में बताई। अभी मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने बताया कि सीखना किसे कहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सीखते कैसे हैं जी, बच्चे सीखते कैसे हैं, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा आप व्याख्या देंगे तो। देखिए, इस सवाल के से ही हम लोग सीखने को बेहतर समझ सकते हैं। जब हम ये जान जाएं कि सीखा कैसे जाता है, तब हम शायद सीखने की उस परिभाषा को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सभी मनुष्य एक प्रकार से एक प्रक्रियाबद्ध, एक चरणबद्ध और एक क्रमिक तरीके से सीखते हैं, यानी कि सीखने में एक प्रकार से संचेतना या सजगता बहुत आवश्यक होती है। अक्सर हम लोग अनुकरण करके सीखते हैं, और अनुकरण करके सीखना देखा जाए तो ये मानवीय सभ्यता के साथ विकसित होने वाली पद्धति थी, जिसमें हम लोग सब उसमें सीखते हैं। एक दूसरे से के साथ नकल करके सीखना एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। साथ ही साथ हम लोग अभ्यास और त्रुटि करके भी सीखते हैं, हम लोग अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। और बहुत पहले 1913 के आसपास थॉर्नडाइक ने इसके बारे में बात की कि हम लोग अभ्यास के द्वारा और हम लोग प्रभाव के नियम के द्वारा और हम लोग तत्परता के नियम के द्वारा हम लोग सीखते हैं। सीखने का एक मजबूत और एक जो बुनियादी तरीका है वो है अवलोकन के द्वारा। अवलोकन से भी हम लोग सीखते हैं, एक दूसरे को देखकर भी हम लोग सीखते हैं। अब ये भी एक सवाल आपके जहन में उठ सकता है कि अनुकरण करके द्वारा भी सीखते हैं, फिर अवलोकन करके द्वारा भी सीखते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क क्या है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि अनुकरण करके सीखने में हम लोग अक्सर उन्हीं बने बनाए व्यवहारों का दोहराव करते हैं, यानी कि उसमें एक प्रकार से दोहराव होता है, जबकि अवलोकन करके सीखने में अक्सर हम लोग नए व्यवहार का निर्माण करते हैं। तो अवलोकन करके सीखना एक बेहतर स्थिति की तरफ हम लोगों को बढ़ाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा कुछ उदाहरण द्वारा और स्पष्ट करें ताकि हमारे शिक्षक साथियों को इसको समझने में मदद मिले। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो भी कक्षा में आप पढ़ाते हैं, शिक्षार्थी जो भी कक्षा का है, अगर मान लीजिए इसका तो एक अच्छा उदाहरण हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर आपकी कक्षा में किसी बच्चे को मान लीजिए किसी टीचर ने डांट दिया, किसी आप में से किसी ने उसको डांट दिया, किसी गलती पर होने पर उसको झिड़क दिया, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भले वो खुद उसमें शामिल नहीं है, पर वो इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, शिक्षक ने इस व्यवहार को स्वीकार ही नहीं किया, और ये व्यवहार जो है वो शिक्षक को एकदम पसंद नहीं है। तो वो एक प्रकार से अनुकरण करके सीखना है कि अब वो दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएगा। अवलोकन करके सीखने में ये है कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे को ये कोई भी घर में काम करने के लिए एक अवसर दिया कि आप जाइए और ये पता करिए, अपने अपने साथियों के साथ ये पता करिए कि आपके घर में आपके माता पिता, आपके बहन भाई किस तरह की गतिविधियों के साथ आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो अवलोकन करके सीखने में वो समझ सकता है कि पिता का व्यवहार उसके प्रति कैसा है,
माता का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, उसके बड़े भाई का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, ये दूसरे लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है। तो मूलतः ये जो सीखना है ये उनको करते हुए देखकर सीखना है, और अवलोकन कर में वो फिर खुद ये भी जान जाता है कि इनका व्यवहार इनके प्रति ऐसा क्यों है, तो उसमें वो नए प्रकार के व्यवहार के लिए स्थान बना लेता है। एक और महत्वपूर्ण सीखना है वो ये है कि अनुभवों के द्वारा सीखना, और हम सब लोग अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं, और ये अनुभव अक्सर हमारे संवेदी अंगों से ही संचालित होते हैं। तो सीखने की इस परिभाषा में, सीखने की जो परिभाषा हमको एक बार समझ लेने के बाद, सीखा कैसे जाता है ये भी हम लोगों ने जाना। इसी के साथ एक और पूरक प्रश्न के रूप में उठ सकता है वो ये कि सीखने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सीखने को जो महत्वपूर्ण रूप से जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें ये है कि सीखना की जो गतिविधि है उसको हम ये मान कर चलते हैं कि सीखने की गतिविधि जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित होती है, और आंतरिक और बाह्य कारक ही सीखने की पूरी गतिविधि की संरचना करते हैं। तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण बनता है कि जो सीखने वाला है अर्थात जो शिक्षार्थी है उसकी अपनी समझ क्या है और उसमें कितनी परिपक्वता है। तो सीखने का सीधा सीधा संबंध सीखने वाले की समझ और परिपक्वता से बनता है, साथ ही साथ सीखने के प्रति जिज्ञासा, सीखने के प्रति तत्परता सीखने को और सुगम बना देती है, सीखने को प्रभावित करती है। क्योंकि आप अपनी अपनी कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि सीखने के लिए माहौल एक महत्वपूर्ण बुनियाद के रूप में काम करता है। सीखने का जो परिवेश होता है वो एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो किसी भी प्रकार के अधिगम को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। सीखने के लिए प्रेरणा उस शिक्षार्थी की अपनी आंतरिक इच्छा या बाह्य इच्छा दोनों ही उसको प्रभावित करती है। साथ ही साथ सीखना जितना रोचक होगा, सीखना जितना आनंददायी होगा, सीखना जितना उस शिक्षार्थी को जोड़ पाएगा, तो उसकी अपने सीखने की गतिविधि ज़्यादा तेज़ी से उस कक्षा में उस कक्षा के बाहर एकदम संचालित होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमें मान के चलते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षक ये जाने कि सीखना क्या है। शिक्षक को ये भी जानना ज़रूरी है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, ये भी समझना ज़रूरी है कि सबका सीखने का अपना अपना अलग अलग तरीका या अलग अलग पद्धति हो सकती है, और साथ ही साथ सभी का सीखना इन चारों पांचों कारकों से प्रभावित होता है। इन जब चारों पांचों कारकों की हम बात करते हैं और इनके बाद हमारा जो मूल बिंदु है जिस पे हम लोगों ने आज की चर्चा आयोजित की है उसमें यह था कि सीखने के उपागम कौन कौन से हैं। तो सीखने के उपागमों को अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सीखने के उपागम हम चार प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो वो उपागम जिसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जिसे हम शिक्षक केंद्रित कहते हैं। दूसरा उपागम हमारे पास ये है कि पाठ्य पुस्तक आधारित होता है जिसमें पाठ्य पुस्तक की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। तीसरा और नवाचारी जो उपागम है वो इस बात की बात करता है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करता है। इसी के बरक्स एक नवाचारी उपागम है जो अभी 21वीं सदी में बहुत लोकप्रिय हुआ और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप ने इसके बारे में विस्तृत टिप्पणी भी की, वो था हमारा ज्ञान का रचनावादी दृष्टिकोण। तो आज की इस पूरी बातचीत में मैं शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम पर और रचनावादी दृष्टिकोण पर अपनी बात करूँगा। तो आपने जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप की बात की, ये कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रारूप है जिसने रचनावादी तरीके से सीखने पर बल दिया है? देखिए 2005 में जो पाठ्यक्रिया जो तैयार हुई उसमें इस बारे में महत्वपूर्ण रूप से बात की गई कि सीखना जो है एक प्रकार से ज्ञान के निर्माण की अपने आप में प्रक्रिया है, और ये जब प्रक्रिया होती है तो सीखना उसी के साथ अपने आप जुड़ जाता है। पर इस दृष्टिकोण पर आने से पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये दोनों ही गतिविधियाँ, मान लीजिए हम लोग बात करें शिक्षार्थी केंद्रित या रचनावादी, तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से ये बनता है कि हम लोग सबसे पहले ये जानें, एक शिक्षक के नाते, एक शिक्षिका के नाते हम ये जानें कि हमारी मान्यता ये हो कि बच्चा एक कोरी सलेट नहीं है। बच्चा जब हमारे पास विद्यालय में आता है, बच्चा जब हमारे पास आ रहा है, तो उसके पास एक समृद्ध ज्ञान भंडार है। उस बच्चे का अपना एक विस्तृत और समृद्ध सांस्कृतिक यथार्थ है, राजनीतिक यथार्थ है, सामाजिक यथार्थ है, वो उसे सीखकर हमारे पास विद्यालय में आता है। तो इस मान्यता के लिए ये मान्यता बहुत ज़रूरी है शिक्षार्थी केंद्रित और रचनावादी दृष्टिकोण के लिए। साथ ही साथ हम ये भी जानें कि सभी बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, सभी बच्चे जानना चाहते हैं, सभी बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, और ये भी हमें भरोसा करना पड़ेगा एक शिक्षिका के होने के नाते वो ये कि सभी बच्चों में सीखने का सामर्थ्य होता है। साथ ही साथ हमें ये भी मानना होगा कि सभी बच्चे सीखने के लिए पर्याप्त भिन्नता रखते हैं और उनकी अपनी विविधता होती है। सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न प्रकार से सीखते हैं। हम ये भी जानें कि उनके अनुभवों को दोहराना और उनके अनुभवों के आधार पर नए अनुभवों का सृजन करना, विमर्श करना, बच्चों को प्रयोग करना, सवाल खड़े करना और साथ ही साथ सोचना और खुद से करके देखना, ये सब अगर हम किसी कक्षा में आयोजित करते हैं या होता देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया
बाल केंद्रित है, ये पूरी प्रक्रिया रचनावादी है। और ये भी हमें मानना होगा, एक शिक्षिका के नाते हमें ये मानना होगा, आप अपनी कक्षाओं में इस बात को मान सकते हैं, वो ये कि सीखना कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो आपकी कक्षा के बाहर भी हो सकता है, विद्यालय के बाहर भी हो सकता है। ये समझ लेना ही अपने आप में एक रचनावादी और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है। रोचकता और आनंद सीखने में एक प्रकार के उत्प्रेरक का काम करते हैं। हाँ, आपकी भूमिका ये होती है, शिक्षक ये मानकर चले कि शिक्षिका और शिक्षक की भूमिका होती है कि वो बच्चों को अवसर देगा और वातावरण का निर्माण करेगा। इन आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये अभी मैंने 6-7-8 मोटी बातें आपको जो मैंने सामने रखी है, वो इस बात को दिखाती है कि अगर कोई भी शिक्षिका इस बात को माने, अपनी कक्षाओं में इस बात के लिए अवसर मुहैया कराए, तो निश्चित रूप से वो बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संचालित कर रही होती है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि फिर जो शिक्षक हैं वह कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि अपने विद्यार्थियों को यह माहौल जो है अपनी कक्षा में पैदा करें, यानी कौन से क्रियाकलाप या कौन सी गतिविधि का आयोजन करें जिससे कि विद्यार्थी सीखने को लेकर के सजग हों, सक्रिय हों, थोड़ा इसके ऊपर आप बताएं हमारे शिक्षकों को। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने यहाँ पूछा, धन्यवाद इसके लिए। देखिए, ये सवाल ही अपने आप में इस पूरे फ्रेम को बता देगा कि आखिर बाल केंद्रित शिक्षण होता क्या है। इसका जवाब मैं यूँ देना चाहूँगा आपको कि जब सीखने की गतिविधि क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी और कहाँ होगी, ये तय अगर शिक्षार्थी करता है तो ये बाल केंद्रित उपागम के रूप में कारगर बनता है। ये बाल केंद्रित उपागम का ये एक अपने आप में एक सशक्त उदाहरण है। बाल केंद्रित उपागम में हम ये मानकर चलते हैं कि बच्चे, हर एक बच्चा दूसरे से भिन्न प्रकार से सीखेगा और सीखने का तरीका अपने आप में एक नवाचारी होगा। हमारे पास दो मजबूत परंपरागत तरीके हैं जिनसे हमारी वर्तमान शिक्षा जो पद्धति है वो भी बहुत प्रभावित है, जिसमें एक शिक्षक केंद्रित है और दूसरा पाठ्यपुस्तक केंद्रित। उसमें सीखने सिखाने की सभी परंपराएं, सभी गतिविधियां शिक्षक के हाथ में केंद्रित होती है या पाठ्यपुस्तक के हाथ में केंद्रित होती है। ये दोनों पद्धतियाँ ऐसी है जो नवाचारी, मैं बार बार शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूँ कि नवाचारी इस सेंस में भी यही है, इस आशय में भी नवाचारी है कि इसमें ये पहली बार विचार किया गया कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता है, बच्चा खुद तय करेगा कि उसे क्या सीखना है, बच्चा ये खुद तय करेगा कि उसे कैसे सीखना है, बच्चा ये तय करेगा कि उसे कहाँ सीखना है। और ये तीनों चीज़ें, तीनों चारों व्यवस्थाएं बनाना, ये चारों पांचों चीज़ें हम तय करवा लेते हैं और इसके लिए हम माहौल का निर्माण करते हैं, ये भूमिका शिक्षक की होती है। तो सर, इसमें एक सवाल मेरा और है कि क्या आज सीखने को लेकर के शिक्षक की भूमिका और पाठ्य पुस्तक की भूमिका गौण हो गई है? नहीं, ये सवाल भी मजबूत सवाल है आपका और ये एक प्रकार से एक नई भ्रांति भी है, आपने सही सवाल पूछा। ये देखिए, हम ये मान कर चलते हैं कि नवाचारी में जब शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि जब ज्ञान का निर्माता खुद बच्चा ही हो गया, तो हम शिक्षक क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। जितनी सक्रिय भूमिका आपकी शिक्षक केंद्रित उपागम में नहीं थी, जितनी सक्रिय भूमिका आपकी पाठ्य पुस्तक आधारित उसमें नहीं थी, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सजग भूमिका आपकी रचनावादी दृष्टिकोण में है और आपकी बाल केंद्रित दृष्टिकोण में। वहाँ क्यों है, देखिए आपकी भूमिका, क्योंकि अब आप वातावरण के निर्माता भी आप हैं, आप सुविधाओं के प्रदायक भी आप हैं, बच्चे को संसाधन मुहैया भी आप कराएंगे और उनके अनुभवों को एक आकार देने के लिए जो भी संस्थागत तैयारियाँ होगी, जो भी व्यवस्थागत तैयारियाँ होगी, वो आप ही करेंगे। तो यानी कि आपकी दोहरी भूमिका हो गई है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि अब आपकी भूमिका ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ती है, तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण बनी है। हाँ, हुआ ये है कि जो हमारे पास ज्ञान का साधन था, ज्ञान की जो सत्ता थी, जो हम लोग अब तक शिक्षकों में मानते थे, या यूँ कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में मानते थे, अब हम ये न मानकर, हमने ये माना है कि अब जो ज्ञान है वो कोई दी जाने वाली वस्तु नहीं है, ज्ञान वस्तुतः निर्मित की जाने वाली वस्तु है, या यूँ कह सकते हैं कि इस मायने में ज्ञान एक सामूहिक गतिविधि से निष्कासित होता है, ज्ञान एक सृजन होता है और ज्ञान में सृजन करने में जो ज्ञान के सृजन करता है, अर्थात जो शिक्षार्थी हैं यानी जो बच्चे हैं, वो अपने विविध प्रकार के अनुभवों से उस ज्ञान को समझ रहे होते हैं या गढ़ रहे होते हैं। यानी आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि शिक्षक भी ज्ञान का निर्माण करता है और शिक्षार्थी भी ज्ञान का निर्माण करता है, यानी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है सीखने और सिखाने को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षार्थी तो ज्ञान का निर्माता है, हम ये मान के चल रहे हैं, शिक्षक भी है, शिक्षक एक व्यक्तिगत
स्थिति के रूप में ज्ञान का निर्माता है, खुद भी अपने अनुभव वहाँ दे सकता है, क्योंकि ये जो पद्धतियाँ हैं रचनावादी दृष्टिकोण और कह सकते हैं कि बाल केंद्रित जो दृष्टिकोण है, वो ये मानता है कि शिक्षा का नियोजन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, उनकी अभिरुचि, उनकी आवश्यकता के अनुसार हो, साथ ही साथ ज्ञान जो है वो उसके जीवन के अनुभवों का विस्तार करता है। जो भी उसने अनुभव में पाया है, जो भी शिक्षार्थी ने अपने अनुभवों में रचा है, वो जब उनको वो व्यवहार में इस्तेमाल कर रहा होता है, व्यवहार में हूबहू उसको देख रहा होता है, तो ये माना जा सकता है कि वो ज्ञान की रचना कर रहा है। तो इस नाते दोनों ही एक प्रकार से शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही सहयोगी के रूप में, सामूहिकता के रूप में उस ज्ञान की सृजना कर रहे होते हैं। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब इस तरह की गतिविधि के आधार पर कक्षा आयोजित होती है, तो शिक्षकों के सामने निस्संदेह बड़ी चुनौती आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी, हमारे जो शिक्षक हैं जो इस चुनौती से जूझते हैं, वो ये इस रूप में जूझते हैं कि उन्हें जिस परंपरागत शिक्षण गतिविधि से काम करने का अभ्यास है, पाठ्य पुस्तक से काम करने का अभ्यास है, या खुद की सत्ता को वहाँ कक्षा में दिखाने का अभ्यास है, वो अभ्यास अब कहीं ना कहीं टूट रहा है। इसलिए अब नए प्रकार के तरीके इसके लिए गढ़ने होंगे उन्हें, और इन गणनों के की इसके क्रम में तो शिक्षण की जो गतिविधि महत्वपूर्ण रूप से बनती है, वो ये बनती है कि हम लोग बच्चों से बातचीत करें, बच्चों को बातचीत करने का पूरा मौका दें, उनको एक अवसर दें जहाँ पर वो अपने अनुभव साझा कर सकें। ये जल्दबाजी ना करें कि पाठ्यक्रम तय ख़त्म करना है, पाठ्यक्रम से ही बंद कर रहना है। ये थोड़ा सा ये जो आपके पास ये जो एक कह सकते हैं कि ये जो नियंत्रण पाठ्यक्रम का या पाठ्य पुस्तकों का, ये थोड़ा सा टूटना चाहिए। दूसरी बात कि बच्चों को करके सीखने का मौका दें, समस्या समाधान के लिए उनको आगे बढ़ाएं। हर बच्चे के पास अपनी एक समस्या है और वो उसकी समस्या का समाधान अपने अनुभवों के आधार पर करना चाहता है। हमारा काम सिर्फ इतना सा है, एक शिक्षक के नाते हमारा काम इतना सा है कि हम उसे वो अवसर मुहैया कराएं जहाँ पर वो अपना इन समस्याओं का समाधान कर सके। खोज बाल केंद्रित उपागम में और रचनावादी उपागम में बहुत महत्वपूर्ण विधि के रूप में सामने आती है। खोज में उसकी तमाम विश्लेषणात्मक, संज्ञानात्मक, संश्लेषणात्मक जो उसकी मानसिक जो संचेतना है उसका निर्माण होता है। यहाँ पर भी मैं पुनः कहूँगा कि शिक्षक अभी भी वातावरण का निर्माता है और बच्चों को अवसर मुहैया कराने की दायित्व लिए होता है। ये बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि जब आप खुद भी ज्ञान के निर्माता होते हैं तो आपका भी रवैया सहयोगात्मक होना चाहिए, आपका भी जो रवैया है वो सामाजिक निर्मिति के साथ जुड़ना चाहिए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित उपागम में जो भी सीखने सिखाने की गतिविधियां होती है या जो भी ज्ञान का सृजन होता है वो मौलिक होता है, और मौलिक होने की वजह से उसके अपने अनुभव दूसरे व्यक्ति के अनुभव से फर्क कर सकते हैं, उसके अपने अनुभव दूसरे व्यक्ति के अनुभवों से तुलनात्मक रूप से अंतर कर सकते हैं। पर उन प्रक्रियाओं में, जिस प्रक्रिया के तहत उसने अपने अनुभवों को समझा और जाना है, ये जो प्रक्रिया है यही अपने आप में सीखना है। तो यहाँ पर ये मतलब अब सीखने की अवधारणा पूरी बदल जाती है। बदलने का मेरा आशय यहाँ इस रूप में है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित में और शिक्षक केंद्रित में ये माना जाता है कि ज्ञान एक उत्पाद है, ज्ञान वो जो बच्चे ने बनाया है, या ज्ञान वो जो पहले से बना बनाया है और बच्चे ने उसको हूबहू वैसा के वैसा बना कर दिया है, ये ज्ञान है। पर इसमें ज्ञान ऐसा नहीं है, ज्ञान कोई एक निर्दिष्ट स्थिति नहीं है कि जहाँ पर एक व्यक्ति पहुँच गया तो सभी व्यक्ति वहीं पर पहुँचे, ऐसी नहीं हो सकता। ये आप कहना चाहते हैं कि जो शिक्षक केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो सीखना था उसमें कुछ विषय सामग्री होती थी, शिक्षक उस विषय सामग्री को विद्यार्थी को सिखा देते थे, लेकिन जो आप अभी बता रहे हैं शिक्षार्थी केंद्रित और रचनावादी केंद्रित जो सीखना है, इसमें विषय वस्तु तो है लेकिन उस विषय वस्तु का उस विद्यार्थी के परिवेश में क्या है, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान क्या है, उसको कक्षा में आप लाने की बात कर रहे हैं यानी। हाँ, ये हूबहू वैसा ही जैसा आपने बताया कि यहाँ इसको यूँ सहज और आसान शब्दों में इसे समझा जा सकता है कि ज्ञान जो है कोई पूर्व निर्मित स्थिति नहीं है, बल्कि ज्ञान एक सामाजिक निर्मिति है जिसमें समाज के सभी घटक मिलकर उनकी रचना करते हैं, और अब वो रचना उनके अनुभवों से होती है। और इस तरह की कक्षाओं में हमारा दायित्व उन अनुभवों को अमली जामा पहनाने का है, उन अनुभवों के लिए जगह देने का है, और वो एक ऐसा माहौल तैयार करने का है जहाँ पर वो निर्बाध रूप से बिना किसी भय के, बिना किसी बाहरी दबाव के, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। क्योंकि बच्चों का जो सृजनशील मन है वो तभी वहाँ विकसित हो पाएगा जब उन्हें इस तरह का माहौल मिलेगा।
सीखने की जो रचनावादी स्थिति है, या यूँ कह सकें बाल केंद्रित जो स्थिति है, दोनों के बीच में जो एक बड़ा मतलब साझापन है वो ये है कि दोनों ही स्थितियाँ ज्ञान को पूर्व निर्धारित नहीं मानती हैं, अर्थात ज्ञान तयशुदा घटना नहीं है बल्कि अपने पूर्व अनुभवों से ज्ञान निर्मित होता है, यानी कि ज्ञान बनाया जाता है। और जैसे ज्ञान बनाया जाएगा इसमें आपका वो जो व्यक्तिवादी रवैया है या व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है उसको एक जगह मिलेगी। ज्ञान के इस उपागम में या सीखने सिखाने के इस उपागम में हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोई उत्पाद नहीं है, ज्ञान कोई अंतिम स्थिति नहीं है बल्कि ज्ञान एक प्रक्रिया है। दूसरी स्थिति में हम यूँ कहें कि ज्ञान लगातार चलने वाली अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई उसमें एक अंतिम स्थिति नहीं आती। हम लोग रचना करते हैं, शिक्षार्थी रचना करेगा फिर पुनर्रचना करेगा, फिर अपनी पुनर्रचना को अपने अनुभवों के आधार पर या तो खारिज करेगा या स्वीकार करेगा। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें हम लोग नित नए अनुभवों के साथ जुड़ते जाते हैं। दूसरा, जो ज्ञान का जो बनाने वाला है वो वहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने अनुभव जो हैं वो ज्ञान के लिए बुनियाद का काम करते हैं, ज्ञान के लिए विषय वस्तु का काम करते हैं। यूँ मैं यूँ कह सकता हूँ अभी से कि पाठ्य पुस्तक जो की सामग्री थी वो आधार का काम करती थी, शिक्षक की अपनी समझ आधार का काम करती थी, अब वो दोनों आधार खारिज होकर बच्चे के अपने अनुभव, सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक यथार्थ, उसकी सांस्कृतिक चिंताएं, वो उसके लिए एक प्रकार से ज्ञान सृजना का एक प्रकार से आधार बनती है। यानी आप जो बातें कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की जो भूमिका है वह एकदम से ख़त्म नहीं हुई है, पाठ्य पुस्तक की भूमिका एक सहायक सामग्री के रूप में है, एक ज्ञान के एक स्रोत के रूप में है, लेकिन ज्ञान का एक अंतिम स्रोत पाठ्यपुस्तक है ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है कि पाठ्यपुस्तकों को आप एक अंतिम ज्ञान का प्रमाण मानकर छोड़ दें, उस पर कोई सवाल ना खड़े करें, क्योंकि वो लिखी गई हैं, वो हमसे ज़्यादा अनुभवी लोगों ने लिखी हैं, इसलिए हम सवाल खड़े नहीं कर सकते। बल्कि हो सकता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे उस ज्ञान को खारिज भी करते हों, ऐसी कई घटनाएं हम लोग देखने को मिलती है, पर हमारे अंदर ही साहस नहीं होता, बच्चों में सांस नहीं जगा पाते। इवन मैंने कई कक्षाओं में शिक्षकों को देखा है कि जो पाठ्य पुस्तक में भले ही वो जानते हैं कि ये इसका उत्तर नहीं है, गलत है, उसके बाद भी उसको खारिज करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ज्ञान का जो मापन है, ज्ञान की जो स्थिति है, वो पाठ्य पुस्तकों पर ही एकदम आरूढ़ हो जाती है। रचनावादी दृष्टिकोण में और बाल केंद्रित दृष्टिकोण में ये मतलब अनुप्राणित है कि वहाँ अधिगम को उन्होंने ज्ञान से अलग नहीं किया है। दोनों दृष्टिकोण, जो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण है या पुस्तक केंद्रित जो दृष्टिकोण है, वो ये मानता है कि ज्ञान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो लर्निंग से जाता है, वो लर्निंग को ज्ञान के रास्ते से जोड़ती है। या दूसरी स्थिति है, या ये है कि लर्निंग अपने आप में, लर्निंग एज ए प्रोसेस, लर्निंग एक प्रक्रिया के रूप में अपने आप ज्ञान का निर्माण करने वाली स्थिति है, यानी कि वो जो लर्निंग है वही भी ज्ञान है। जिस तरह से बच्चा बनावट में सीख रहा है, बनाते हुए सीख रहा है, वही अपने आप में ज्ञान है। तो यहाँ ज्ञान की पूरी अवधारणा पूर्व की जो अवधारणा से एकदम उससे उलट है। वहाँ ज्ञान एक प्रकार से अंतिम स्थिति है, उत्पाद के रूप में, हमारे यहाँ ज्ञान प्रक्रिया के रूप में, यानी कि प्रक्रिया जो है अपने आप में एक ज्ञान की स्थिति है। दूसरा, इसमें मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि शिक्षक केंद्रित में और पाठ्य पुस्तक केंद्रित में शिक्षण महत्वपूर्ण है, टीचिंग महत्वपूर्ण, हम पढ़ाते हैं, ये हम इस आग्रह से हमारे बच्चों के पास जाते हैं। आप भी अपनी कक्षाओं में, शिक्षक जो हमारे साथी वो भी जाते होंगे इस आग्रह के साथ कि आज हमें जाकर बच्चों को पढ़ाना है। ये उदाहरण अब नहीं है वहाँ पर, हम ये मान के हम पढ़ा नहीं रहे बल्कि हम सीखने के लिए उन स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो वहाँ शिक्षण अधिगम से, शिक्षण महत्वपूर्ण ना होकर अधिगम महत्वपूर्ण बन जाता है। आप सिखा पा रहे हैं, आप सिखाने के लिए माहौल बना पा रहे हैं, आप सिखाने की तैयारी कर पा रहे हैं, तो अब हमारी भूमिका केंद्रीय स्थिति की भी है और हमारी भूमिका परिधि पर भी हो गई है। अब दोनों स्थितियों में शिक्षक महत्वपूर्ण बन जाता है। एक और बात कि जो हमें इसमें समझने के लिए ज़रूरी है, ये कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित में और यूँ कह सकते हैं हम लोग कि शिक्षक केंद्रित में जो मामला है वो ये है कि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन वो शिक्षक आधारित है, पाठ्यपुस्तक आधारित है। जो पाठ्यपुस्तक में लिख दिया है बच्चे उस सूचनाओं को स्वीकार करते हैं, बच्चे उन सूचनाओं को पुष्ट करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन भी अपने आप में सीखना है, मूल्यांकन भी अपने आप में उन चीज़ों को समझाने की गतिविधि के रूप में काम करता है कि जहाँ पर हम मूल्यांकन की गतिविधि से या मूल्यांकन के आधार पर सीखने की गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। तो इस अब मैं इसको मतलब अगर सारांश के रूप में अगर मैं इसको समेटना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये बाल केंद्रित उपागम और हमारा जो नवाचारी रचनावादी जो उपागम दृष्टिकोण है सीखने सिखाने के लिए, ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक उपागम है। वहाँ कक्षा के सभी बच्चों को अपनी आवाज़, अपनी बात कहने का अधिकार है। जब ऐसा होगा तो बच्चों, जो आपकी कक्षा होगी उसमें शोर होगा,
और मतलब शिक्षार्थियों का जो शोर है वो आपके लिए एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम करेगा, आपको उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो शिक्षक साथी हैं उस शोर से ना घबराएं, बल्कि उस शोर को बढ़ावा दें। ये जो शोर है बेसिकली ये जो बेचैनी है नए ज्ञान का निर्माण करने की, और पहली बार उनको लगता है कि हम भी कुछ एक ऐसा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं या सार्थक हम अपना योगदान दे सकते हैं, तो उसकी जो बेचैनी है ये बेचैनी ही कक्षा के वातावरण को मजबूती देगी और उनकी भागीदारी को बढ़ाएगी। साथ ही हम शिक्षार्थी की भागीदारी को बढ़ाएं तो नया ज्ञान अपने आप सृजित होगा। हाँ बिल्कुल, भागीदारी जितनी भागीदारी होगी, क्योंकि कक्षा उसके लिए है, कक्षा की पूरी गतिविधियाँ उसके लिए, अगर वो उसके केंद्र में नहीं है और अगर वो उसके निर्माता के रूप में नहीं है तो फिर शिक्षार्थी की कोई भूमिका नहीं है। शिक्षार्थी की फिर भूमिका आपके हाथों में आ गई, यानी कि शिक्षा केंद्रित हो जाएगी, या पाठ्य पुस्तकों के हाथों में आ जाएगी, यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो जाएगी, तो फिर बच्चा कहाँ है? और आज हम कह सकते हैं कि आज हमारे पास हमारी कक्षाओं में बच्चे सीख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सीख रहे हैं? उसकी बड़ी भूमिका यही है, क्योंकि हमने ये माना है कि सीखना कहीं और है, जो बच्चे जानते हैं वो सीखना नहीं है। और मेरा अपना जो अनुभव है, और मैं इस बात से कह सकता हूँ कि हमारा काम एक शिक्षार्थी जो शिक्षक का काम है, उस शिक्षक का काम उसके घर के ज्ञान में और विद्यालय के ज्ञान में एकापन लाना है, उसके बीच में समन्वय स्थापित करना है। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा कर पाने से ही हमारे बच्चे आनंदित होंगे, उल्लासित होंगे और ज्ञान के निर्माण के लिए बेचैन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय शर्मा जी। मुझे लगता है कि आज की आपकी इस चर्चा के बाद हमारे शिक्षक साथियों को मदद मिलेगी कि शिक्षार्थियों की क्या भूमिका है, शिक्षार्थियों की भूमिका को हम अपनी कक्षा में कैसे बढ़ाएं, उन्हें हम एक सक्रिय सीखने वाले के रूप में अपनी कक्षा में कैसे हम शामिल करें, यह हमारे शिक्षक साथियों को के लिए बड़ी मददगार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।